हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज। एंड बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्विज, आई हैव अ स्टोरी टू टेल, सो लिसन इट वेरी केयरफुली बिकॉज वी हैव अ क्विज बेस्ड ऑन दिस स्टोरी। चीयर्स। एक दिन दशरथ ने अयोध्या में मेंटल मैथ कंपटीशन रखा। उन्होंने अपने चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को बुलाया और उन सब से मैथ का एक क्वेश्चन पूछा। सो वो क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा कि एक से लेके 100 तक की गिनतियों का सम यानी योगफल कितना होगा, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। भरत और शत्रुघ्न सोचते रह गए। लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण ने पेपर पेन निकाला और एक से लेकर 100 तक की सारी गिनतियों का योग निकालना स्टार्ट कर दिया। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10 और ऐसे करता गया। लेकिन जैसे ही राम से उत्तर पूछा तो राम ने विथ इन 10 सेकेंड्स आंसर बता दिया। अब अयोध्या में जितने भी उपस्थित लोग थे और जो दशरथ थे, उन्होंने राम से पूछा कि तुमने इस क्वेश्चन का आंसर इतने शीघ्र कैसे दे दिया पुत्र। तो राम ने कहा, पिताश्री मैंने क्या करा, मैंने 100 को यानी एक से लेकर 100 तक की गिनती के 2 हिस्से कर लिए, 1 से लेकर 50 और 51 से लेकर 100। फिर मैंने 1 को 100 से जोड़ा तो आंसर आया 101। फिर मैंने 2 को 99 से जोड़ा तो फिर से आंसर आया 101। फिर मैंने 3 को 98 से जोड़ा फिर आंसर आया 101। और इस प्रकार जब मैंने जोड़े बनाए तो कुल जोड़े बने 50 और सबका योग आ रहा था 101। फिर मैंने 101 को 50 से गुना कर दिया। क्यों? क्योंकि 101 50 बार आ रहा था। तो जब 101 को मैंने 50 से गुना किया तो आंसर आया 50-50 यानी 5050, 5050। और इस प्रकार मैंने आपको ये आंसर शीघ्र दे दिया। दशरथ इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अयोध्या का उत्तराधिकारी राम को बना दिया। I hope you liked our story, and if you understand the concept behind it, solve this puzzle.